ओके बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का फोर्थ पार्ट, दैट इज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म बेटा, व्हेन यू टॉक अबाउट मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म क्या होता है? इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ पोजिशनल आइसोमरिज्म। बेटा, पोजिशनल आइसोमरिज्म का एक स्पेशल काइंड है, इसमें दो पोजिशनल आइसोमर जो होते हैं दे डिफर इन दी यू कैन से नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू द सेम फंक्शनल कार्बन। सो मेटामेरिज्म का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले आर सेम ठीक, बट डिफरेंट नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स आर देयर जॉइन टू सेम फंक्शनल ग्रुप्स। बेटा, सेम फंक्शन ग्रुप के साथ जो अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द सेम फंक्शन ग्रुप। बेटा, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म का एक स्पेशल काइंड रहता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम इसका एग्जाम्पल डील करते हैं, मान लो मेरे पास CH2 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 CH3 है। बट इसका आयुपेक नॉमेनक्लेचर क्या बोलोगे? डाई इथाइल ईथर। अब बेटे ऐसा करते हैं, एक और मॉलिक्यूल बनाते हैं, से वो ऐसा है CH3O CH2 CH2 CH3, ठीक। इसको हम बोल सकते हैं मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अब बेटे देखो, इसमें फंक्शन ग्रुप हमारे पास ईथर है, ईथर के साथ यहां जो ग्रुप लगा है वो इथाइल ग्रुप है, जबकि यहां जो लगा है वो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। यहां इथाइल, यहां मिथाइल, नेचर डिफरेंट हो गया कि नहीं? वैसे ही अगर मैं इधर इथाइल की बात करूं और इधर प्रोपाइल की बात करूं, तो यहां पर भी नेचर क्या हो गया? डिफरेंट हो गया कि नहीं हो गया? सो ऑब्वियसली यहां पे हमारे पास देखा जाए तो पोजीशन चेंज हुई ऑक्सीजन की, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमरिज्म। बट हम इसमें इसकी पोजीशन से कंसर्न नहीं है, हम कंसर्न है उसका जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप से। अगर अल्काइल ग्रुप का नेचर अलग अलग है, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, अल्काइल ग्रुप का नेचर अलग अलग है, ठीक, तो इसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोजीशनल आइसोमरिज्म एंड मेटामेरिज्म? बेटा, पोजिशनल आइसोमरिज्म में क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेन के अंदर की जरूरत नहीं है, वो कहीं पे भी हो सकता है, बाहर भी लगा हो सकता है, टर्मिनल भी हो सकता है, लेकिन यहां जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा वो चेन के अंदर होगा। जिसे कौन कौन शो कर सकेंगे मेटामेरिज्म? जैसे बेटा ईथर ग्रुप शो करेगा डेफिनेटली, क्योंकि ये चेन के बीच में होता है। कीटो ग्रुप, कीटोन, ये शो करेंगे बेटा आपके पास, क्योंकि चेन के बीच में होता है। एस्टर ग्रुप, एस्टर, ये शो करेगा बेटा। एंड हाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O एंड हाइड्राइड्स, ये शो कर सकते हैं बेटा हमारे पास, ठीक। या इसी तरह अमाइड्स एंड अमीन्स, अमीन्स कैन ऑल्सो शो, आपको पिछली बार बताया था मैंने,
कि अमीन के आसपास भी ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं, खासकर सेकेंडरी अमीन्स। ठीक ऐसे ही हमारे पास अमाइड्स भी होते हैं, ठीक उसमें भी ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं। ये अमीन्स और ये अमाइड्स, इन सब में हमारे पास ये चेन के बीच वाले ग्रुप्स हैं, दे ऑल आर ग्रुप्स इन बिटवीन द चेन, ये टर्मिनल नहीं है, समझ में आई? तो इसके आसपास अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं बेटा, सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज टू बी मेटामर्स। जैसे एक दो एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको, जैसे मान लो मेरे पास है CH3 CO CH2 CH3, ठीक, और यही CH2 को यहां ले जाओ तो हमारे पास बन जाएगा CH3 CO CH2 CH3। सो व्हाट डू यू सी इन दिस, यहां कीटोन के पास फंक्शनल ग्रुप के साथ जो ग्रुप लगा है वो मिथाइल है, जबकि यहां वो कैसा है, इथाइल है। सो नेचर इज डिफरेंट, सो दिस इज एक्चुअली अ स्पेशल केस ऑफ पोजीशनल आइसोमरिज्म। जब फंक्शनल ग्रुप चेन के बीच में आ जाता है तो उसके आसपास के अल्काइल ग्रुप्स का नेचर अगर डिफरेंट हो जाएगा बेटा, सो दैट विल बी कॉल्ड एज मेटामर्स। जैसे एस्टर का एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो CH3 CH2 C double bond O O CH2 CH3, ठीक, इसको बोलेंगे इथाइल एसीटेट। क्या नाम लेंगे? इथाइल एसीटेट। और वहीं पर बेटे हम यहां पे लिख देते CH3 CH2 CH2 C double bond O O CH3, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, यहां पे आ जाएगा मिथाइल प्रोपेन्योएट। सो दिस इज कॉल्ड एज मेटामर्स। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेटामर एंड अ पोजिशनल आइसोमरिज्म? पोजिशनल आइसोमर में क्या होता है कि आपकी पोजीशन किसी फंक्शनल ग्रुप की, किसी मल्टीपल बॉन्ड की, वो चेंज होती है, जो चेन के बीच में नहीं होता है। ठीक, मल्टीपल बॉन्ड तो बीच में हो सकता है पर फंक्शनल ग्रुप चेन के बीच में नहीं होता है, या वो साइड से लगा होता है और या फिर वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक, और यहां पे ग्रुप्स वो हैं जो चेन के बीच में आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बोलो मेटामरिज्म समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो बेटे, मैं एक स्पेशल एग्जांपल आपके यहां डील करूं, ठीक, आई एम डीलिंग अ स्पेशल एग्जांपल विद यू। मान लो मेरे पास है CH3 CH2 और यहां पे C double bond O CH2 CH3। दूसरा एग्जांपल है CH3 C double bond O CH2 CH2 CH3 और तीसरा एग्जांपल है CH3 C double bond O CCH3 H CH3। अब ध्यान देंगे तो हम ये पाएंगे यहां फंक्शनल ग्रुप चेन के बीच में है, ठीक है, पर हो क्या रहा है, इसका अल्काइल ग्रुप और इसका अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। तो ये दोनों एक दूसरे के मेटामर हो गए, ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स हो गए। पर प्यारे बच्चों, क्या ये दोनों मेटामर होंगे? देखो इधर जो चेन है वो कितने एटम्स की है? 1 2 3 4 5 एटम की, जबकि यहां चेन कितने एटम की आ गई? 1 2 3 4 एटम की। तो बेटा ये आपस में मेटामर ना हो करके चेन आइसोमर होंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो नेचर यहां पे भी फंक्शन, यहां पे भी अल्काइल ग्रुप का डिफरेंट है, पर मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि अगर चेन ही डिफरेंट हो जाए तो हम उसको चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ना कि उसको हम पोजिशनल बोलते हैं। और पोजिशनल और चेन कभी इकट्ठा नहीं होता, और मेटामरिज्म पोजिशनल का ही एक स्पेशल पार्ट है। बोलो बेटे, ये समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी तरह से आप बेंजीन रिंग के अराउंड भी देख सकते हैं। मान लो एक मेरे पास ऐसा है O CH2 CH3, बेंजीन के एक साइड इथाइल दूसरी साइड फिनाइल। लेकिन एक दूसरा ले लेते हैं, से मेरे पास है
CH2 और CH3 ये दोनों मेटामर है, इस बोथ आर मेटामर। पर अगर बेटे मैं इसको ऐसे लिख दूं OCH3 और यहां CH3, अब तो बेटा CH3 की पोजीशन ही चेंज हो गई है पुत्र। सो ये दोनों तो मेटामर हो गए, बट ये दोनों पोजिशनल आइसोमर होंगे, ये मेटामर नहीं होंगे, क्योंकि यहां मिथाइल ग्रुप की पोजीशन ही बेटे चेंज हो गई है। सो दे आर नॉट मेटामर्स, दे आर पोजिशनल आइसोमर्स। बेटे क्लियर हो गया? जैसे बेटे इस पे जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि किसमें मेटामरिज्म हो सकता है, मैंने बोला जो भी फंक्शनल ग्रुप चेन के बीच में आएंगे, जैसे ईथर, कीटोन, एस्टर, एनहाइड्राइड, अमीन, अमाइन, इसमें पाया जाता है। बेटा इसे मिटा दो। अब हमें एक क्वेश्चन पूछा, हमसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो मेटामरिज्म। हमसे यह पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो मेटामरिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो मेटामरिज्म। ठीक, अब मेरे पास पहला है ए CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH2 CH3, बी CH3 CH2 O CH3, ठीक। तीसरा है CH3 CH2 S CH3 और चौथा है CH3 CH2 S CH2 CH3। अब आपसे पूछा है कि कौन इसमें मेटामरिज्म शो कर सकता है, तो क्या इसका आंसर बता सकते हो मुझे? गलत है बेटे। देखो बेटे, अगर मैं इसका मेटामरिज्म बनाता हूं फॉर द टाइम बी, मान लो इसका मेटामरिज्म बनाता हूं और ये CH2 यहां लिख देता हूं, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 बेटा, ये दोनों तो सेम ही मॉलिक्यूल है, इसकी नंबरिंग यहां से और इसकी नंबरिंग यहां से, तो आयुपेक नॉमेनक्लेचर तो सेम हुआ। और आप जानते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर का आयुपेक नाम सेम नहीं होता, तो अगर मैं इसको यहां शिफ्ट भी कर दिया तब भी हमारा मॉलिक्यूल सेम है। सिमिलरली इसको यहां शिफ्ट कर दो तब भी मॉलिक्यूल सेम रहेगा। इसको बनाएंगे तो CHO CH2 CH3, बेटा ये भी मिथॉक्सीथेन, ये भी मिथॉक्सीथेन, इसी तरह से इसका भी कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसका अगर मैं बना दूं तो डेफिनेटली यहां पर मेटामरिज्म हो सकता है, क्योंकि अब यहां इथाइल ग्रुप और यहां मिथाइल ग्रुप, यहां आपके पास इथाइल ग्रुप और यहां प्रोपाइल ग्रुप रहेगा, और दोनों का नंबर भी करेंगे तो अलग अलग नॉमेनक्लेचर आएगा, तो यहां पे आंसर क्या आएगा? डी आएगा बेटा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर ग्रुप को शिफ्ट करते हैं पर आयुपेक नॉमेनक्लेचर सेम आ जाएगा तब तो गलत ही हो गया, तब तो डेफिनेटली वो मेटामर नहीं है। तो इसमें मेटामरिज्म नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, यहां पे मेटामरिज्म की पॉसिबिलिटी है। बोलो इस तरह का क्वेश्चन कर सकोगे बेटे? सो ये है मेटामरिज्म। तो मेटामरिज्म क्या होता है? इट इज स्पेशल काइंड ऑफ पोजिशनल आइसोमरिज्म इन विच टू पोजिशनल आइसोमर्स डिफर इन द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द सेम फंक्शन ग्रुप। और इसमें हमने ये पढ़ने की कोशिश की मेरे प्यारे बच्चों कि ईथर, कीटोन, एस्टर, एनहाइड्राइड, अमीन, अमाइड, थायोल ग्रुप कैन आल्सो शो ये एस इज थायो ग्रुप दैट कैन आल्सो शो मेटामरिज्म। और मेटामरिज्म में बेटे मैंने आपको फंक्शनल इसको डिफरेंशिएट करके दिखाया पोजिशनल के साथ एज वेल एज स्ट्रक्चरल के साथ, चेन के साथ रहा है, चेन के साथ। अगर चेन का पोजीशन, चेन का नंबर ही चेंज हो गया वो चेन आइसोमर, यहां पोजीशन चेंज हो गई तो ये पोजिशनल आइसोमर होते हैं। क्लियर? बोलो समझ में आया बेटा कि नहीं आया? तो ये था मेटामरिज्म।